subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. नाज़रीन प्रोग्राम आखिर छाक में तवाजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तवाज हाजिर आया। नाज़रीन मुल्क की सियासी सूरतयाल से गाल बोल कंदासी पर सियासी सूरतयाल से गडोगड जैसे पान इदार के हवाले से गाल कयूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गुजरल काफ़ी अरसे का वही तनकीद के निशाने से है। जैसे मुखालिफ धुर के निशाने से हो समझ में अचे तो पर इतफाक यो है तो वफाकी सरकार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वक्तन फिर वक्तन इलेक्शन कमीशन से आंगरियों खड़ो रहे थो। अज वफाकी वजीरन शफकत महमूद फवाद चौधरी शिबली फराज गरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है जैमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा जो मुतालबो किया है। वफाकी वजीर चवन था त पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एतमाद नथी करे। पीटीआई दावा कंदा त पीटीआई मुल्क की वडे में वडी पार्टी है जेका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एतमाद नथी करे। इलेक्शन कमीशन पंहिंजो किरदार निभाइण में नाकाम वही है। जेका ही सूरतयाल है ढी जहाँ अबतर सूरतयाल थी वे पी छ वक्त की जहाँ गवर्नमेंट है वफाक में जहाँ सरकार है उहा ही आइनी इदार के खिलाफ इन किस्म जो शूँ जिनसे पैदा करें पी इन मुल्क के कौम के माहौल के कड़ो नुकसान है कड़ो फायदो पहुंचन इन आइनी हवाले से भी गाल बोल कंदी। सीनियर तर्ज निगार कानूनदान शाह बोस्तो साहब अस लाइन से मौजूद हैं। शाह साहब तक प्रोग्राम में भलीकार चवं तो शाह साहब कि ऐसो हि जो अज हुकूमत मुतालबो करे थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आइनी इदारो है उनका मुतालबो करे थी तो इस्तीफा दियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर जेका पूरी कमीशन है वह इस्तीफा दिए कि ऐसो पे इन मुतालबे के अव बस अजीब तमाशो अफसोसनाक सूरत है। ऑपोजिशन भी का सीट हाराए थी तो मुतालबो मुतालबो था कन तो ये इदारा जे मिलल पर जैसे हुकूमत करे तो यो इंतहाई निशानदेही पा भी कई यो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तो हुकूमत जो कम जो है वो इदार के बेहतर करण हों यो ऑपोजिशन तो हमेशा उनको रो दबाव हुकूमत के मथा इदार के मथा भी रो तो ऑपोजिशन जो कम ही यो जे भी कोतायूँ हैं उनकी निशानदेही कन जनमें चंगाई की का जरूरत है तो उनमें हुकूमत से मिली इसलाहत कन कानून साजी कन असट जो अनफॉर्चुनेटली हाँ ट्रेंड पैदा थो तो पॉइंट स्कोरिंग जो हर को करे तो सीट गवर्नमेंट थी खटे तो अपोजिशन वाला रड़ी था कन अपोजिशन थी खटे तो गवर्नमेंट रड़ी थी करे जो हाँ रिसेंटली जो सेनेट में थो असिनी के लिए समझा तो बाय द शर्म आकर पूरी दुनिया असा खिली होंगी तो हुकूमत जो जो स्पोक्स पर्सन है शिबली फराज साहब वो ऐलान तो करे तो अस हाँ तक उ दिखारी जो को इल्ज़ाम लगाइंदा रहा है ऑपोजिशन से तो ऑपोजिशन हमेशा जो सो वोट खरीद क्या अस दिठो से तो वाकई यही थो मुजफ्फर शाह जै तरीके से कार्रवाई हलई उन वो जो डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन थी उनमें जै तरीके से वोटन की खरीदारी थी इंतई समझा तो शायद जड़ी कौम जिनमें शर्म हया हो शर्म का ही सो दुनिया के मुंह दिखाने के काबिल सही सही। अच्छा अच्छा शाह साहब नैब के कारकर्दगी की जैसे गाल हुई तो वजीर आजम इमरान खान चवन हो तो अस इन गाल में यकीन रखू था ता इदारा खुद मुख्तियार होजन पर जो डस्का की नंढी चूंड वो मामलो हो उन इलेक्शन कमीशन जन त तनकीद के निशाने ती आहे खास तौर से सेनेट इलेक्शन हो जे या पान इस्लामाबाद की जनरल सीट हुई सेनेट की त उन वज़ीर आज़म इमरान खान सीधो सौ इलेक्शन कमीशन से आंगरियों खयूँ सवाल उथारा तो जो बयान हुयो वो मौकफ़ हुयो इदार के अख्तियार दियण वो इदार के खुद मुख्तियार रखण वो हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वो जो पीटीआई जो या वफाकी सरकार जो मौकफ़ हो वो तब्दील छो थी वो
इमरान खान साहब जो सो सची गाली है तो मायूस किया है जो उन तर्ज हुकूमत है या जहा उन शुरू का वी सो पॉलिसी रही आ कें भी मामले में वो समझे तो सिर्फ उनकी जात जी है मुकम्मल है वह बिल्कुल साफ शफाफ है बाकी पूरी दुनिया जो सो चोर डाकू दो नंबर मानू आन में जाहिर अफसोसनाक गाल भी है तो वो जो भी उनको रवैयो रो उन रवैये से उनके फायद थो इन जिद इन जो सो महाजराई में उनकी हुकूमत के केरियो आ उन पा प्राइम मिनिस्टर थी वो आज ती तो कें भी इदारे के न मो न कें इदारे ला का इज्जत आ जैसे अपोजिशन में होंद हो तो खुलेआम उन वक्त के चीफ जस्टिस के बेन इदारन के जो सो ओपनली रिडिक्यूल कंदो उनजो उनजो मजाक उड़ारींदो हुयो इवन मीडिया के बारे में भी उनजो तमाम एकड़ो जहरीलो रवैयो रहयो छकाण त वो ओपनली चवे तो एस्टैब्लिशमेंट ऐं मुंहिंजी हुकूमत हिकिड़े पेज ते आहियूं हाणे जॾहिं तव्हां अहिड़े क़िस्म जा तरीक़ा कयो जंहिंसां आवाम जे ताक़त जो तव्हांखे परवाह न हुजे पर जेके ताक़तवर इदारा आहिनि एस्टैब्लिशमेंट आहे उन सां तव्हां पंहिंजो अंडरस्टैंडिंग ठाहे ऐं हिकिड़ो हाइब्रिड सिस्टम पैदा कयो जेको हलाइण वारा त ॿिया हुजनि पर अॻियां हे वेठो हुजे त अफ़सोसनाक सूरत हाल इहा आहे त पाकिस्तान में हिन वक़्तु असां जेको सम्झूं था त डेमोक्रेसी या इलेक्टेड हिकिड़ो पार्लियामेंट्री सिस्टम आहे मां सम्झा थो इहो दरअसल तसवुरु ई असांजो ग़लति आहे हिते का पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन खे को डेमोक्रेटिक नॉर्म्स खे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खे जेको आहे सो इज़त कोन थी मिले। अच्छा अच्छा शाह साहब जैसे पा आइन की गाल क्यों तो आइन इजाज़त दिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अची मुतालबो कजे या का कागजी कार्रवाई करण जो हक है वफाकी सरकार के कें भी इदारे की जैसे उन्होंने वट के खदशा के सवाल के भी जैसे गालू तो उन हवा से वजीर आजम या वफाकी सरकार वफाकी काबीना कें भी आइनी इदारे से सीधी रीत गाल आइन इजाज़त दिए तो या जो ही अमल थो है अज त आइनी इदारे का मुतालबो किया है तो इन आइनी बहरान वेतर जो है सो वधंदो या जो पा जमहूरियत की गाल कंदा आयूं तो जमहूरी हवाले सां जेकॾहिं का भी पार्टी गाल कंदी आहे त उहा कंहिं हद ताईं ॼण त उहा लफ़्ज़नि ताईं हूंदी आहे पर अमली तौर ते ॼण जमहूरियत खे सघारो करण जी कोशिशि जेका आहे उहा ॼण घटि नज़र ईंदी आहे। तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। पहिरीं ॻाल्हि त चीफ इलेक्शन कमिशनर या जेके बि मेंबर्स आहिनि इलेक्शन कमीशन जा उन्हनि खे आइनी तहफ़ुज़ मिलियल आहे तव्हां उन्हनि खे नथा हटाए सघो उन्हनि खे हटाइण जो तरीक़ो बि उहो ई आहे जेको जज साहबान जे लाइ आहे। सो जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं मेंबर या चीफ जे ख़िलाफ़ु तव्हांखे जेकॾहिं करिणो आहे त तव्हां बेशक उहो प्रॉपर तरीक़ो आहे रेफरेंस जो पर ॻाल्हि आहे त इहो जेको दॿाउ में विझण वारो जेको अंदाज़ आहे पी टी आई जो मां सम्झा थो उनजी हिकिड़ी वजह त इहा बि नज़र अचे थी त ईंदड़ कुझु वक़्त में हाणे लोकल बॉडीज़ जूं इलेक्शन बि थियणियूं आहिनि ऐं हिन वक़्त ताईं पी टी आई जेके बि बाय इलेक्शन्स थिया आहिनि किथे बि हिननि हिकु ॿिए सीट शायदि किथे खटी हुजे बाक़ी मुसलसल जेको आहे सो हे शिकस्त जो शिकार थियनि था। इवन पंजाब में बि पी एम एल एन हिननि खे टफ टाइम ॾिनो आहे ऐं उते हिननि खे रुकाए भुॼाए अथऊं। इवन के पी में बि तव्हां ॾिठो त उहा सीट जेका असलम खटक साहब जे पंहिंजी ख़ानदानी सीट सम्झी वेंदी आहे उते बि जेको आहे सो पी एम एल एन खटी वई आहे। सही। हिननि खे ख़ौफ़ आहे तमामु घणो त ईंदड़ वक़्त में जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन ख़ुदि मुख़्तियार थी थी वञे ऐं ताक़त जो जेको आहे सो हिकिड़ो पंहिंजो हुननि जो जेको इस्तेमालु आहे आइन जो हुनजे तहत जेकॾहिं इलेक्शन 60-70% बि जेकॾहिं शफ़ाफ़ थियनि थियूं त हिननि जा जेको आहे सो तरह निकिरी वेंदा छो त पी टी आई जी न का कारकर्दगी आहे न हुननि जी का ऑर्गनाइज़ेशन आहे हेॾा हुन जा माण्हू इकठा करे पार्टी ठही आहे न का हुननि जी पॉलिसी आहे वञनि पिया ॾींहों पोइ ॾींहुं IMF जे प्रोग्राम ते गरीब माण्हुनि खे जेको आहे बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चयो त महांगाई शाह साहब महांगाई तमामु घणी वधी वई आहे। अच्छा जी जी अच्छा शाह साहब सुभाणे पीडीएम जो सरप्राइज़ इजलास थियणो आहे कीअं था ॾिसो त जेको
मौलाना फजल रहमान साहब चवे तो जैसी तई इस्तीफा न थी दीजन तैसी तई लॉन्ग मार्च फायदेमंद साबित न थी तो समझो तो कड़ा इम्कान इन तजवीज़ से इतफाक थी सो तो इस्तीफाऊँ दीजन या समझो तो पीडीएम के अंदर इस्तीफा वाले मामले से इतफाक छो न पो थे तो इस्तीफाऊँ दीजन गडियल तौर से असेंबली में वे में वजह है तो पीपुल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत आ पीपुल्स पार्टी कदें भी न चाहिंदी तो वो पांजो पूरो प्रोविंस उन्हें हथ में आ पीपुल्स पार्टी के खबर आ तो वो पूरे मुल्क में हाँ इलेक्शन को खटी सकन जैसे इलेक्शन जो आसरो है भी तो सिंध में ही है तो जैसे वो यो जो हाँ इन तेरह चौदह साल वी वेठा पूरो सिलसिलो है जो जैमें मुसलसल पीपुल्स पार्टी के हुकूमत मिली आ वो पांजी हुकूमत को वण चाहन इन सा गड यो भी सवाल पैदा पीपुल्स पार्टी हुकूमत वे थी छे खुद पीपुल्स पार्टी के अंदर जो वडेरा वेठा भोतार वेठा जिन मजाक आज तेरह चौदह साल में अपोजिशन में जेलन में वन तैयार थन्दा पीपुल्स पार्टी नी चाहे डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से टकराव में अचान ला तो इमरान खान के खिलाफ तो यकीन वा पर डायरेक्ट हेड ऑन जी मौलाना साहब चवे तो या जी पीएमएलएन चवे थी तो असो बिल्कुल सिस्टम के खत्म कर घुर्जे उन पीपुल्स पार्टी मान तो समझा में तैयार थी जाहिर उन्होंने जवाब भी है या हकीकत आ तो पीएमएलएन वट तो कुछ भी को मौलाना साहब वट भी कुछ को वो जो एक इस्तीफा दई भी छींदा तो मसलन पीएमएलएन के लिए को मसलो को गवर्नमेंट है ही को पंजाब में न किथे पर पीपुल्स पार्टी जरूर उनके नुकसान थो जैसे गवर्नमेंट में निकरंदा तो दबाव वधंदो हाँ वो उन्होंने गुजारिश कई मैं पेरों तो इनकी पार्टी में ज्याला बाला को रहा है हाँ तमाम वो तबको है जैसे तमाम मजाक आया पैसा रोकड़ा कमाया था इन करो सवाल है पान तो समझा तो जरदारी साहब जो इस्तीफा दी हाँ यो ये जरूर थो तो चंदा ठीक है अस लॉन्ग मार्च क्यों था लॉन्ग मार्च भी अलामती होंगी मजामती न होंगी लॉन्ग मार्च से भी जो सो हुकूमत के किरण जो सिस्टम के कलेप्स करण जो सो को मकसद न होंद पीएमएलएन चाहिंदी तो यो टकराव थे कें हद तई चाहिंदी सही मौलाना साहब तो फुल चाहिंदो तो यो टकराव थे पर पीपुल्स पार्टी में ब्रेकन वो कम कंदी पीपुल्स पार्टी ब्रेक दींदी अलामती तौर से या थी सके तो उनमें शामिल भी थियन उनमें कुछ पांजो ताकत जो इस्तेमाल भी दिखारन तो जी बार्गेनिंग बेहतर तरीके से थे पर मान तो समझा तो यो लॉन्ग मार्च जो एडो वो इफेक्टिवली साबित थो यो मामलो हलो तो लॉन्ग मार्च का पैरों कुछ उन्होंने गाल मुतालबा शायद कुछ तरीके से बुधा वन ठीक है तो नैब जो हथ कुछ हल्को थे ठीक है ये सब गाल मुमकिन है सही सही ठीक है वही मेहरबानी शाहब साहब तक टाइम दिनों नाजरीन प्रोग्राम जारी है वूँ ब्रेक।